मेरा थक गया मुझे आपके बीच में उपस्थित होने का अवसर दिया जाए। आपके देश से बच्चों को केवल उम्मीद रहती है कि हमारा नंबर आएगा और हम जाएंगे और बीच में खान पान प्रसाद देख कर बच्चों का जो सबसे ज्यादा ऐसी चीज लगती है क्या हमें जो गाने गाने लगाएगा अपने डांस का वो अच्छा लगता है क्या अपने आप को पाई देते हुए उसका प्रभाव में वो देखते हुए अच्छा लगता है। सबसे बुरी चीज लगती है जो क्लास में टीचर पढ़ाता है और हम जैसे लोग जो यहाँ से पास नहीं होते इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बात करना शुरू कर पाए यहाँ प्रेस के सामने रहा तुमको तो प्राइज दिया हम लोग मैं बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ आपका भविष्य उज्ज्वल हो। और दूसरा कहना चाहूँगा कि जिंदगी का जो बेस्ट पीरियड है वो भी है जो आप जी रहे इससे अच्छा समय जिंदगी में कभी नहीं जब बच्चे छोटे होते हैं तो एस्पायर करते हैं कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाए और जब बड़े हो जाते हैं तो लगता है कि छोटे अच्छे कॉलेज का जीवन यूनिवर्सिटी का जीवन स्कूल का समय गोल्डन पीरियड है उनको एंजॉय करें कोई स्ट्रेस ना ले कामयाब होने के लिए कोई नंबर ज्यादा होना जरूरी नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दें पढ़ाई करें मन लगा के करें। और मैं आपके यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसको देख रहा था बच्चे सबसे ज्यादा वो सब्जेक्ट से गलत है इसको एनालाइज कर सकता है एक इंग्लिश से बी ए इंग्लिश ऑनर्स में 21 में से दो बच्चे पास हो गए सबसे बस रिजल्ट है वहां का इंग्लिश में 9% इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है। रिसर्च हमसे होटल भी आ गई हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज है बहुत सारे और मैं पिछले कल हमारे विधानसभा की मीटिंग भी हुई थी जिसमें सेक्रेटरी और डायरेक्टर सॉरी मैंने उसमें भी डायरेक्शन दिए हमको जो ऑनलाइन क्लासेस आने वाले इंस्टीट्यूशन हैं आप उनको एनरोल करिए कि वर्चुअल क्लास में बन रहे हैं हाई स्पीड है इनका फायदा तभी रहेगा हम बच्चों को कुछ एडिशनल सिखाएंगे एक बहुत ही बात है बोलने के अगर आप मिस्टर जोरावर सिंह से योगी में रहते हमारा अमायकम से यह
Yeah.